हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का प्लॉट साइज देखेंगे, 30 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट साइज है। फ्रंट साइड रोड है, बाकी तीनों अदर साइड प्रॉपर्टी अदर प्रॉपर्टीज हैं। सो उसी हिसाब से हमें इसकी प्लानिंग की है। ड्यूप्लेक्स हाउस है, ग्राउंड प्लस वन के लिए हमने जो इसके एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी 17.6 लाख रहेगी। जनरल रिक्वायरमेंट देखते हैं, प्लॉट साइज 30 बाय 50 फीट। प्लॉट एरिया देखेंगे, 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है। 166.6 गज का मकान है हमारा। फ्लोर एरिया देखेंगे, जो हमने कवर किया है वो 1080 स्क्वायर फीट है। 120 गज के अंदर हमने जो है आपका 2 BHK प्लान करके दिया है, ड्यूप्लेक्स हाउस है। रिक्वायरमेंट देखते हैं, टोटल 4 बेडरूम्स की रिक्वायरमेंट है, 4 टॉयलेट, किचन, लॉबी, ड्राइंग रूम, लिविंग, स्टेयरकेस इनसाइड, पार्किंग स्पेस एंड बैल्कनी। सो इट्स ए 1500 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, 4 BHK मॉडर्न ड्यूप्लेक्स हाउस डिजाइन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये प्लान की तरफ चलेंगे। सो गाइस, ये हमारे फ्लोर प्लान है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर का एरिया देखेंगे 1080 स्क्वायर फीट है, फर्स्ट फ्लोर का एरिया देखेंगे 990 स्क्वायर फीट है। दोनों को ऐड करते हुए जो एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनेगी वो हमने आपको बताई है। सो डायमेंशन देखिए प्लॉट की, 30 फीट इसकी विड्थ है, 50 फीट इसकी लेंथ है। ग्राउंड फ्लोर प्लान पे चलेंगे। सबसे पहले 8 फीट का आपका मेन गेट रहेगा, 2 पल्लों का आपका ऐसे दरवाजा रहेगा। एंट्री करेंगे आप घर के अंदर, पार्किंग साइज मिलेगा, पार्किंग स्पेस मिलेगा आपको 8 फीट 4 इंच पे 12 फीट का, जिसके अंदर आप आराम से कार पार्क कर सकते हैं। फ्रंट साइड बैक हमने 5 फीट का छोड़ा है, आगे की तरफ देखेंगे हमने 7 फीट का साइज छोड़ा है। जो हमने आगे पीछे किया है फॉर द एलिवेशन पर्पज, हमने इसको लेवल डिफरेंस दिया है। आप चाहें तो इस दीवार को सीधा करते हुए अपना टॉयलेट जो है वो बड़ा कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, 3 स्टेप्स के बाद अपन प्लिंथ लेवल पे पहुंचेंगे। 8 फीट की एंट्री रहेगी, जिसके अंदर आप 4 फीट का मेन दरवाजा देंगे, 4 फीट के आप विंडो देंगे। इस तरीके से आप एंटर करेंगे अपने लिविंग कम डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसका आप साइज देखेंगे 25 फीट 6 इंच बाय 14 फीट है, जिसका अच्छा बड़ा साइज है। स्टेयरकेस जो है वो अंदर से ही है, तो इस तरीके से आप अब चलेंगे। स्टेयरकेस का साइज देखेंगे 3 फीट है, 10 इंच का ट्रेड रहेगा। शेयर के इसको छोड़ते हुए जो एरिया बचता है वो 25 फीट 6 इंच है, जिसके अंदर आप इस तरीके से अपनी सी टाइप में सेटिंग लगा सकते हैं। अगर आपको टीवी पैनल लगाना है तो ये आप सोफा हटाते हुए सोफा आपका यहाँ लग जाएगा, टीवी पैनल आपका इस दीवार पे लग जाएगा। डाइनिंग की बात करें तो आप 4 सीटर डाइनिंग लगा सकते हैं इसके अंदर। पीछे की तरफ आप देखेंगे, एंट्री करेंगे, ओपनिंग मिलेगी आपको किचन में जाने के लिए, पैसेज मिलेगा 8 फीट बाय 6 फीट 4.5 इंच का, जिसके अंदर आप रेफ्रिजरेटर प्लस ये आपका वर्किंग एरिया रहेगा। किचन का साइज देखेंगे 8 फीट बाय 10 फीट का, तो दोनों जो कंबाइन करेंगे आप तो 8 फीट बाय 16 फीट 4.5 इंच का आपको स्पेस मिलेगा, जिसके अंदर आप किचन प्लस आपका वर्किंग एरिया आप एज इन वर्किंग एरिया यूज करेंगे इसको। ये रेफ्रिजरेटर का पॉइंट रहेगा, यहाँ सिंक रहेगा या गैस स्टोव रहेगा। वेंटिलेशन के लिए हमने पीछे 5 फीट का स्पेस छोड़ा है, जिससे किचन की वेंटिलेशन रहेगी। फर्स्ट बेडरूम की बात करते हैं, लॉबी से आप अपने लिविंग से एंटर करेंगे। बेडरूम 1 में है, जिसकी डायमेंशन देखिए 13 फीट 9 इंच बाय 11 फीट है। 13 फीट 9 इंच जो है वो लेंथ वाइज है, 11 फीट इसकी विड्थ है। 8 फीट 6 इंच की आप इसके अंदर अलमारी दे सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप सेटिंग भी रख सकते हैं एक, इस तरीके से आप बेड लगाएंगे। सामने की तरफ आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे टीवी पैनल लगाएंगे। अटैच ड्रेसिंग प्लस टॉयलेट मिला है इसको, 6 फीट बाय 5 फीट का ड्रेसिंग का साइज है, 6 फीट बाय 5 फीट 7.5 इंच टॉयलेट का साइज है। ओपनिंग रहेगी, ओपनिंग के बाद आपको ये जो एरिया है ड्रेसिंग में एंटर करेंगे, ड्रेसिंग से आप टॉयलेट में एंटर करेंगे। टॉयलेट का लेआउट देखिए, 2.5 फीट का आपका टॉयलेट का दरवाजा रहेगा, यहाँ आपका वॉश बेसिन रहेगा, इधर आपका WC रहेगी, आपका बेथिंग एरिया रहेगा। पीछे की तरफ जो ओपन एरिया है यूटिलिटी एरिया के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा के इस एरिया को यूज कर सकते हैं। ओपन टू स्काई रहेगा, एक्सेस के लिए हमने बेडरूम में इसको दरवाजा दे दिया गया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो बेडरूम मिलेगा आपको दोस्तों, बेडरूम सेकंड जो है, डायमेंशन देखेंगे 13 फीट बाय 11 फीट 3 इंच। इस तरीके से बेडिंग लगाते हुए सामने की तरफ हम अलमीरा लगाएंगे, 7 फीट 6 इंच वाइड आप यहाँ पे अलमीरा लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए हमने जो आगे ओपन एरिया है उसके अंदर इसकी विंडो दे दी गई है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप ये विंडो को कम ज्यादा कर सकते हैं। साइड में देखेंगे आपको कॉमन टॉयलेट मिल रहा है दोस्तों। डायमेंशन देखेंगे 6 फीट बाय 9 फीट 3 इंच की, 2.5 फीट का आपका डोर रहेगा। लेआउट देखेंगे, एंट्री करके आपको वॉश बेसिन मिलेगा, फिर आपकी WC है, 3 फीट का आपका बेथिंग एरिया रहेगा। वेंटिलेशन के लिए 2 फीट का आपको यहाँ पे वेंटिलेटर मिलेगा। सो गाइस, ग्राउंड फ्लोर के बाद आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। स्टेयरकेस यूज करते हुए आप इस तरीके से अप आ रहे हैं, इस तरीके से आप अपने फर्स्ट फ्लोर लेवल पे पहुंचेंगे। पहुंचते ही आप लिविंग एरिया के अंदर पहुंचेंगे। लिविंग एरिया की डायमेंशन देखेंगे 22 फीट 6 इंच बाय 14 फीट है। 22 फीट 6 इंच जो है इस पॉइंट स्टेयर केस के पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, दीवार तक है 22 फीट 6 इंच। इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए हमने जो फ्रंट साइड में ओपनिंग है 8 फीट की, आपको यहाँ पर प्रॉपर विंडो रहेगी, ग्लेजिंग रहेगी, 8 फीट की ओपनिंग रहेगी आपको।
अप जाने के लिए, टेरेस पे जाने के लिए आप टिपिकली सेम स्टेयरकेस यूज करेंगे और अप चले जाएंगे अपने टेरेस लेवल पे। पीछे की तरफ देखेंगे टिपिकल बेडरूम साइज है 13 फीट 9 इंच बाय 11 फीट एज सेम एज ग्राउंड फ्लोर। लेआउट में जो आपको डिफरेंस मिलेगा, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट प्लस ड्रेसिंग था, ऊपर हमने वो दोनों को मैशअप करते हुए मिक्स करते हुए 6 फीट बाय 11 फीट का एक बड़ा टॉयलेट दे दिया है। सो टॉयलेट का लेआउट देखेंगे इस तरीके से एंट्री रहेगी, 2.5 फीट का दरवाजा रहेगा। नीचे की तरफ देखेंगे पूरा काउंटर मिलेगा आपको, वॉश बेसिन काउंटर रहेगा। ऊपर की तरफ देखेंगे आपको WC है, पीछे की तरफ बेथिंग एरिया है। साइज 6 बाय 11 का है, बड़ा टॉयलेट है। अटैच ड्रेसिंग मिला है दोस्तों इसको, नीचे जो किचन का हमारा पैसेज था इस एरिया को हमने कंबाइन किया है, एज एन ड्रेसिंग यूज कर रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। साइज देखेंगे 8 फीट बाय 6 फीट 4.5 इंच का ओपनिंग रहेगी 3 फीट की, 8 फीट की आपको अलमीरा मिलेगी। वेंटिलेशन के लिए 2 फीट का वेंटिलेटर दे सकते हैं। किचन के ऊपर हमने ओपन टेरेस छोड़ा है, साइज देखेंगे 8 फीट बाय 10 फीट अटैच किया है बेडरूम से। सो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम था। नीचे की तरफ देखेंगे सेकंड बेडरूम सेम है एज पर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे जो टॉयलेट कॉमन टॉयलेट था वो हमने ऊपर कंबाइन कर दिया है सेकंड बेडरूम में। 13 फीट बाय 11 फीट का सेम साइज है। बेडिंग की लोकेशन चेंज कर दी है, वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगी। लेआउट देखेंगे एंट्री रहेगी, एंट्री के सामने ही आपको वॉश बेसिन मिल रहा है, ये आपका WC का पॉइंट रहेगा। नीचे की तरफ आपका बेडिंग रहेगा 6 फीट बाय 9 फीट 3 इंच की इसकी डायमेंशन रहेगी। तो गाइस ये था हमारा आज का प्लान, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। 30 फीट बाय 50 फीट के अंदर एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन को 17.5 लाख है फॉर द 2 फ्लोर्स। 4 बेडरूम का सेट निकाला हमने 30 बाय 50 के अंदर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं सो दैट कोई भी नई वीडियो आती है हमारी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय दोस्तों।